कौन है भैया? भाई हाँ? परसों ही अन्नू के घर में आया ही है आपके प्यार पे ढाका डालने के लिए। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझसे ज्यादा प्यार उसे वो कभी नहीं कर सकता। जैसे घर पर माँ चिकन बनाकर अच्छे अच्छे पीस बेटे के लिए रखती है, वैसे भगवान ने हैदराबाद की सारी सुंदर लड़कियों को सॉफ्टवेयर कंपनी में समेट कर रख लिया है। इंजीनियरिंग के सीएसई क्लास में सिर्फ 40 लड़कियों को देख देख कर हम बोर हो गए थे, शायद भगवान वहां भेजना भूल गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए ना, फूलों का बगीचा है जिसे जितने चाहिए बस तोड़ के ले जाए, और मैं तो पैदाइशी बगीचे का माली हूँ, ये फूल मुझसे कहाँ बच पाएंगे। अबे सुन बे कौनचू, वेयर इज माय कंप्यूटर? पहले ट्रेनिंग देंगे, पास होने के एक महीने बाद कंप्यूटर मिलेगा। अगर फेल हुआ तो रोडवेज बस की टिकट दे देंगे, जहाँ से आया वहीं पहुँच जाओगे। तो ट्रेनिंग रूम कहाँ है? वहाँ है। क्या मस्त मस्त लड़कियां हैं बाप। स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, पहले दिन तो हर कोई यहाँ पर बस एक ही काम करता है। लड़के देखते हैं कि लड़की में कौन सुंदर है, और लड़कियां देखती हैं कि कौन हैंडसम है। मतलब मेरा चांस पक्का। It's a real time experience in Java. Sir, अभी आए हैं इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 year का एग्रीमेंट है ना, एक साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो यू स्टैंड अप। तुम बताओ। एक साल का अग्रीमेंट है ना सर, एक साल यहीं रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है, सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। उल्टू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये तीन ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो, ये आई सी क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना, और वक्त निकाल कर लड़कियों को लाइन मारना। लेकिन रेज्यूमे में रीडिंग बुक्स, वॉचिंग न्यूज, ओहो, ब्राउजिंग नेट। तुम्हारे आगे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इट्स ग्रांटेड। अच्छा, शादी से पहले अपनी बीवी को बता देना कि तुम कुछ अजीब हो, नहीं तो बेचारी लड़की की बलि चढ़ जाएगी। अरे शादी कौन करेगा सर? आपको पता है एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया के हर 1000 लड़कों के सामने 945 लड़कियां ही बची हैं। इसका मतलब 55 लड़के ऐसे ही सिंगल रह जाते हैं, और शादी ना होने की वजह से पता है वो क्या बन जाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा बन जाते हैं। और वही वो 945 लोग पता है क्या कर रहे होते हैं? क्या? कुकर की 6 सीटी बजी है या 5 ही बजी है? घर से आते वक्त मैंने गैस तो बंद किया था कि नहीं?
अब और हमेशा यही सोचते हैं मैं अपने बच्चे को होनहार बनाऊंगा, इसलिए इसे नेशनल स्कूल में पढ़ाऊं या फिर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊं। इसी के साथ वो इस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं। अब ऐसी लाइफ किसे चाहिए सर। थैंक यू। क्या तुम कल ऑफिस आओगे? आऊंगा ना सर। तो मैं नहीं आऊंगा। वो क्यों सर? हाँ बस ऐसे ही बाय। कमाल। चलो भाई चलो। क्या हो गया? हाय। सॉरी कह दूं क्या इसे? अनु दिमाग काम नहीं कर रहा है, लगता है सुट्टा मारना पड़ेगा। मार गए, लगता है भगवान ने इसे मेरी जासूसी के लिए बनाया है। वैसे अब तो पकड़ा ही गया हूं। अनु, मेरी बात सुनो। एक मिनट। अरे बात सुनना यार। प्लीज सुनो, अब हम दोनों को एक ही घर में रहना है, तो ऐसे चेहरे मत बनाओ यार। उस दिन ट्रेन में जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुमने मेरे गांव के बारे में उल्टा सीधा बोला, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या है ना, मैं गांव को लेकर थोड़ा इमोशनल हो गया था। बेसिकली आई एम अ गुड बॉय। अच्छा, वो तो देख लिया। अरे सच कह रहा हूं। देखो ओके, नो फिंगर्स। देखो अगर तुम्हें पता चले कि मैं अच्छा नहीं हूं तो बात मत करना, लेकिन तब तक तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो तुम मेरे बारे में रैंडमली कोई सवाल पूछो, मैं तुम्हें सारे के सारे जवाब दूंगा। अगर तुम्हें मेरा जवाब पसंद नहीं आया तो कॉफी बीन निकाल कर उसमें डाल देना। सारे क्वेश्चन के बाद अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं बदल जाऊंगा। ओके ना, टेक इट। ऐसे बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। अरे एक बार ट्राई तो करो। एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वैसे इंटरव्यू के लिए फर्स्ट टाइम हैदराबाद कब आए? मैं नहीं आया, इट्स अ रिकमेंडेशन जॉब। वो क्या है ना, यहाँ जॉब करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मतलब गांव छोड़कर आना मुझे अच्छा नहीं लगता था। अरे मतलब पापा को छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ यहाँ पापा के लिए आया हूँ। अब क्या करता, जानती हो ना, एक मिडिल क्लास आदमी की कमाई कितनी होती है? अपने बेटे की पढ़ाई जितनी। और वो 10 तक पढ़ सके उतना ही कमाता है। वो इंटर तक पढ़े तो इंटर तक, इंजीनियरिंग करे तो इंजीनियरिंग तक। 20 साल स्कूल फीस, कॉलेज फीस देकर, रोज पॉकेट मनी देकर, हर साल यूनिफॉर्म, शूज, टाई, बुक्स, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्सेस, ग्राफ शीट्स, इंडिया के मैप्स, ऐसी सारी जिंदगी मेरे पापा मेहनत करने के बाद मुझसे बस एक चीज मांगते हैं, एक नौकरी। और उसके बाद जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वो भी मुझे ही रखनी है। इसलिए पसंद ना होते हुए भी उनके लिए मैं नौकरी करने चला आया, बस इतनी सी बात है। तुम बिना जवाब दिए जा रही हो? ये एक जवाब काफी है, बाकी चीज एक्सक्यूज करने के लिए। सॉरी एक्सेप्टेड। सो फ्रेंड्स? Only friends. Only friends here. हेलो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। बाहर पान की दुकान है, वहाँ फूको। आओ। भाई। Competition. अगर वाइन शॉप और पान की दुकानें नहीं होती तो मेरी तो वाट लग जाती। हेलो गुरु। अन्नु के घर में तुम ही आए हो ना? इधर देखो भाई, 2 साल से अन्नु से प्यार करते हैं। तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। भूतनी के, तुम अन्नु से प्यार करते हो? तो अपनी कहानी 2 लफ्जों में बताओ। अन्नु को पहली बार मैंने कॉलेज जाते समय देखा था।
ऐसे नहीं पटेगी बच्चे, कुछ और सोचना पड़ेगा। कम ऑन, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। गिफ्ट देना पड़ेगा। हाँ ओके। बस उसे रोज देखने के लिए मैंने उसके घर के पास ये गैरेज खोल दिया। उसे जब भी गाड़ी रिपेयर करवानी होती है सीधा मेरे पास चली आती है। अच्छा वैसे तुम्हारी कहानी में अन्नू कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। अब बेटा मेरी बात सुन, ऑफिस में मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्ट हो चुका हूं। वो मुझसे कनेक्ट हुई है नहीं, बस वही देखना। अच्छा इसका मतलब तुम उसके, मेरा मतलब है कि सिर्फ फ्रेंड हो ना, और ऑफिस वाली तुम्हारी लवर है। और तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम कहां और मैं कहां, कहां राजा भोज और कहां गंगूतेली। तुझे बोला हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर। मैडम ऑर्डर प्लीज। या टू ब्लैक ऑफिस। ओके। एंड टू स्प्रिंग रोल्स। ओके मैडम। एनीथिंग एल्स मैडम? एंड टू ग्रिल सैंडविचेस। श्योर मैडम। थैंक यू मैडम। Are you okay? सुन, कह दो कि ग्रिल सैंडविच नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। देख भाई, हैदराबाद में नया हूं, पहली बार किसी लड़की को कॉफी शॉप लेकर आया। एक बार मना कर। ठीक है, मना कर दूंगा।
अभी मना कर देना। पहले मैं इस कॉफी शॉप में रोज एक लड़की को लेकर आता था पर बिल पे नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं तुम्हारे सामने वेटर की ड्रेस में हूँ। लेकिन अब कोई लवर वेटर नहीं बनेगा। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव ग्रिल सैंडविच। ओह, दैट्स ओके। टू रेड वेलवेट केक्स। कहते वो भी नहीं है। सॉरी मैडम, वी डोंट हैव दैट केक्स। ए, तुम कह रहे हो रेड वेलवेट केक नहीं है? वहाँ तो इतने सारे हैं। यस यस, वी हैव दैट केक्स मैडम, वी हैव दैट केक्स। हाउ मेनी पोर्शन डू यू वांट? टू। टू? या। ए, तू पहले अंदर आ। सो आपको कैसी लड़की चाहिए? कल बताया तो था, सीटी बजते ही कैंस बंद करने को ना कहे, ऐसी लड़की चाहिए। वैसे तुम्हें कैसा चाहिए? कुकर की सीटी बजते ही बिना बोले ही गैस बंद कर दे, ऐसा लड़का चाहिए। ठीक है, अगर तुम जैसी लड़की मिल जाए तो कुकर तो क्या, सिलेंडर फाड़ के अंदर घुस जाए। बात तो कंप्लीट किया करो। ओ, डैड का फोन है, आई हैव टू गो। बिना खाए जाएगी, सारे पैसे बर्बाद। आई विल ड्रॉप यू। नहीं नहीं, डैड को पता चल जाएगा, आई विल बुक अ कैब। आई विल बुक। आगे। बस अभी आता हूँ। वो नहीं देगा तो तेरी बचेगी। ध्यान से। ओके सर। बाय। हेलो। हेलो। क्या हुआ, लेट होगा क्या? मैं एक लड़की के साथ कॉफी पीने के लिए कॉफी शॉप आया था। कॉफी तो पी ली, बिल नहीं दिया। अब बिल भरूंगा तो मुझे यहाँ से जाने देंगे, वरना मुझे यहाँ पर बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, प्लीज। अनु।